घुमारवीं क्षेत्र में उसमय बस स्टैंड पर सब हैरत में पड़ गए जब एक औरत ने बस स्टैंड पर सुबह सुबह लगभग 9 बजे के करीब चालक व परिचालक को थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर बस स्टैंड पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। घुमारवीं क्षेत्र में उसमय बस स्टैंड पर सब हैरत में पड़ गए जब एक औरत ने बस स्टैंड पर सुबह सुबह लगभग 9 बजे के करीब चालक व परिचालक को थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर बस स्टैंड पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। महिला चालक सीट पर बैठ गई। ये हाई प्रोफाइल ड्रामा लगभग 1.5 घंटे तक चला और बस निर्धारित रूट पर नहीं जा सकी। बस के मालिक ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने आकर बस से महिला को उतारा और बाद में दोनों पार्टियों में थाना में समझौता हो गया। ये मामला क्या था? हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 2 दिनों पहले ये निजी बसों के चालक अपनी समय सारणी के लिए बिलासपुर बस स्टैंड पर कहासुनी हो गई थी। जब इस बात का पता एक चालक की पत्नी को चला जिसके साथ कहासुनी हुई थी, तो वह सुबह सुबह 8 बजे बस स्टैंड पर अकेली ही आ पहुंची। जब बस अपने निर्धारित रूट से घुमारवीं पहुंची तो बिना मौका गवाए महिला ने ताबड़तोड़ थपेड़ों की बरसात चालक व परिचालक पर कर दी। महिला की दबंगई की शहर में दिन भर चर्चा होती रही। महिला घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ही है। डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़ाई झगड़े का मामला थाना में आया था, जिस पर आपस में दोनों पार्टियों का समझौता हो गया है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।